हेलो एवरीवन, रेसिपी मेरे किचन से में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपकी छोटी छोटी भूख के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा स्नैक्स, भेलपूड़ी। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी होती है हल्की सी, और हमें कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता, लगता है कुछ ऐसा बना लें जो जल्दी से भी बन जाए और टेस्टी भी हो। तो इसके लिए आप भेलपूड़ी बना के खा सकते हैं। और जो मैं भेलपूड़ी आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपको किसी भी तरीके की ग्रीन चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको बिना ग्रीन चटनी के भेलपूड़ी बनाना बताऊँगी। तो लिए सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेते हैं और उसमें डालेंगे 1 बाउल लैया, इसे हम पफ्ड राइस या मुरमुरा भी कहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटा हुआ उबला आलू, अगर आलू आपके पास उबला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के थोड़े से दाने। मूंगफली के ये दाने मैंने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे। अब इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। आप काले नमक की जगह रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1/4 छोटा चम्मच हम काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमकीन। आप कोई भी नमकीन जो घर पर आपके अवेलेबल हो ले सकते हैं, बस थोड़ी सी नमकीन स्पाइसी होनी चाहिए, थोड़ी सी जैसे चटपटी नमकीन होती है आप वो यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छे बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे सॉस। मैं इसमें हॉट एंड स्वीट सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप घर पे अवेलेबल कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5 से 6 चम्मच के करीब ये देखिए मैंने सॉस यूज़ की है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके से एक बार भेलपूड़ी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितने कम समय में हमारी भेलपूड़ी तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसको प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़े से मूंगफली के दाने और प्लेन नमकीन, कोई भी आपके पास भुजिया प्लेन नमकीन हो तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी यम्मी और टेस्टी भेलपूड़ी। तो एक बार आप सॉस वाली भेलपूड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।